आज हमारी आप सबकी चर्चा बीएड सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन साइकोलॉजी कंपल्सरी पेपर थर्ड यूनिट फोर के अंतर्गत चैप्टर का नाम है मानसिक स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। शिक्षा मनोविज्ञान का जो मूल उद्देश्य है वह बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। बालकों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिकता का विकास, सब ओर शिक्षा मनोविज्ञान अपना ध्यान देता है। तो इस आधार पर यानी शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को तथा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को परस्पर प्रभावित करते रहते हैं। शिक्षा प्रक्रिया का संबंध बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास से है। मानसिक दृष्टि से स्वस्थ अध्यापक ही अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया की सफलता के लिए अध्यापक तथा छात्र दोनों का मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, मानव एक मनोशारीरिक प्राणी है। मानव एक मनोशारीरिक, साइकोफिजिकल मनोशारीरिक प्राणी है। उसका व्यवहार शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए स्वास्थ्य से अभिप्राय केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं होता है, वरन शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब शरीर तथा मन दोनों प्रभावशाली तथा समन्वित ढंग से कार्य करते हैं, तब ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोस्थिति से है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सामान्य व्यवहार का प्रतिफल है एवं सामान्य व्यवहार से तात्पर्य अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले औसत व्यवहार से है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य में इस अभिप्राय को स्वीकार नहीं करते हैं तथा व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्रियाशीलता के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य को अस्पष्ट करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दे रखी हैं। तो आइए परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। हेडफील्ड मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता है। इन इंग्लिश वर्जन, इन जनरल टर्म्स वी मे से दैट मेंटल हेल्थ इज द हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी अकॉर्डिंग हेडफील्ड। एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है लैडल। लैडल के शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित संयोजन करने की योग्यता है। मेंटल हेल्थ मींस द एबिलिटी टू मेक एडुकेट एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट ऑन द प्लेन ऑफ रियलिटी अकॉर्डिंग लैडल, LADELL।
मनोवैज्ञानिक एकीकरण की यह अवस्था अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति द्वंद्वों, जिसको अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, कामा निरोधों, रिप्रेशन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, कामा वास्तविकता से पलायन, एवॉइडेंस ऑफ रियलिटी, AVOIDANCE, एवॉइडेंस ऑफ OF, रियलिटी REALITY, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविकता से पलायन, जल्दबाजी के निर्णयों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉस्टी जजमेंट, HOSTY JUDGEMENTS, जल्दबाजी के निर्णयों, तथा स्थिर समझ, ब्लॉक्ड अंडरस्टैंडिंग, BLOCKED, ब्लॉक्ड अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING, जैसी प्रक्रियाओं से दूर रहता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व विखंडित हो जाता है एवं वह स्वयं के लिए तथा समाज के लिए हानिकारक व्यवहार करने लगता है। इसके विपरीत मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति एक एकीकृत व्यक्तित्व का स्वामी होता है। समायोजन सदैव ही व्यक्ति के लिए सुखदायक होता है। समायोजन से व्यक्ति को मानसिक संघर्षों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो परिभाषाएं मैंने बताया, उन परिभाषाओं को अगर हम एकीकृत करें, उसका कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के द्वारा समायोजन करने की योग्यता का परिणाम होता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के द्वारा समायोजन करने की योग्यता का परिणाम होता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, कामा, आदर्शों आदि को जीवन की वास्तविकता के अनुरूप ढालकर अपने तथा वातावरण के मध्य एक संतोषजनक संबंध स्थापित कर लेता है, तब उसे समायोजित व्यक्ति कहा जा सकता है। इस प्रकार से मैंने आपको मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा बताया। अब आप मानसिक आरोग्यता का अर्थ समझें, मीनिंग ऑफ मेंटल हाइजीन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान अथवा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय श्री W. बियर्स को दिया जाता है। बियर्स ने 24 वर्ष की आयु में आत्महत्या करने का असफल प्रयास किया था। बाद में मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में सन 1908 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ये इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। बीएस की इस पुस्तक का मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में सन 1908 में मानसिक आरोग्य समिति की स्थापना हुई। इस समिति के प्रयासों के फलस्वरूप मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त हो गई तथा लगभग सभी देशों में मनोचिकित्सा केंद्र खुल गए। इस प्रकार से ये इसका इतिहास है। अब आप मानसिक आरोग्यता का अर्थ समझें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हेडिंग लिखें मानसिक आरोग्यता का शाब्दिक अर्थ।
मस्तिष्क को स्वस्थ अथवा निरोध रखने वाला विज्ञान का अध्ययन। फुल स्टॉप। जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य का विज्ञान व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ व रोगमुक्त रखने के नियमों तथा उपायों का अध्ययन करता है, ठीक उसी प्रकार से मानसिक आरोग्यता का विज्ञान व्यक्ति के मन को स्वस्थ तथा रोगमुक्त रखने के नियमों व उपायों का अध्ययन करता है। ये मानसिक आरोग्यता का शाब्दिक अर्थ है। अब परिभाषा पर चलते हैं। परिभाषाएं देखें। ड्राइवर के अनुसार मानसिक आरोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखने के उपाय करने से है। फिर से सुने। ड्राइवर के अनुसार मानसिक आरोग्यता का अर्थ मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखने के उपाय करने से है। इन इंग्लिश वर्जन मेंटल हाइजीन मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द टेकिंग ऑफ मीजर्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। दूसरी परिभाषा है हैडफील्ड की। हैडफील्ड के शब्दों में मानसिक आरोग्यता का संबंध मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा मानसिक असंतुलन को रोकने से है। इन इंग्लिश मेंटल हाइजीन इज कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द प्रिवेंटेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इस प्रकार से इन परिभाषाओं की अगर हम विवेचना करें तो इन परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि मानसिक आरोग्यता एक ऐसा साधन है तथा जिसका साध्य मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को मानसिक आरोग्यता के विज्ञान की सहायता से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, व्यक्ति को मानसिक कुसमायोजन से बचाए रखने तथा मानसिक रोगों का उपचार करने के उपाय किए जाने से है। मानसिक आरोग्यता का उद्देश्य एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन। इसका उद्देश्य इसके उद्देश्य को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। दूसरा है मानसिक रोगों तथा विकारों की रोकथाम करना, प्रिवेंटेशन ऑफ मेंटल डिजीजेस ऑफ डिसऑर्डर्स। और तीसरा है मानसिक रोगों का उपचार करना। मानसिक आरोग्यता के इन तीन उद्देश्यों से स्पष्ट है कि मानसिक आरोग्यता के दो प्रमुख पक्ष हैं। पहला सकारात्मक पक्ष पॉजिटिव एस्पेक्ट और दूसरा नकारात्मक पक्ष नेगेटिव एस्पेक्ट। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के नियमों को बताकर विषम परिस्थितियों में समायोजन को प्रोत्साहित करना इसका सकारात्मक पक्ष है, जबकि मानसिक रोगों से बचाव करना तथा मानसिक रोगों का उपचार करना इसका नकारात्मक पक्ष है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, यह मानसिक आरोग्यता का सकारात्मक पक्ष है, जबकि क्या नहीं करना चाहिए यह मानसिक आरोग्यता का नकारात्मक पक्ष है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का ज्ञान किसी सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों से ज्ञात हो जाता है। प्रायः अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के निम्न लक्षण हैं, लिखते चलें। नंबर एक, संतुलित एकीकृत तथा समन्वित विकास। संतुलित कामा एकीकृत तथा समन्वित विकास, बैलेंस्ड इंटीग्रेटिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञानात्मक भावात्मक तथा क्रियात्मक प्रतिक्रियाओं का एक संतुलित एकीकृत तथा समन्वित विकास होता है। वे अपने जीवन के लक्ष्यों व उद्देश्यों को
प्राथमिकता की दृष्टि से क्रमबद्ध क्रम में विकसित करते हैं। दूसरा है नियमित दिनचर्या, रेगुलर लाइफ। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रायः जीवन नियमित जीवन के रूप में व्यतीत करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, सोने जागने तथा अन्य क्रिया के कलापों आदि की कुछ निश्चित आदतें होती हैं जिन्हें वे स्वाभाविक ढंग से पूरा करते हैं। तीसरा है समायोजन क्षमता, यानी समायोजन योग्यता, एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ शीघ्र समायोजन करने की योग्यता होती है। सहयोगी व्यक्तियों में रुचि रखना एवं अन्य व्यक्तियों के साथ उत्साहजनक संबंध बनाने की योग्यता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की एक प्रमुख पहचान है। चौथा है संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी। ऐसे व्यक्ति संवेगात्मक दृष्टि से परिपक्व होते हैं, अर्थात उनमें अपने संवेगों को नियंत्रित रखने तथा उन्हें वांछनीय ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। वे क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा आदि संवेगों से अस्त व्यस्त नहीं होते। विपरीत परिस्थितियों में भी सभी कार्यों को प्रसन्नता तथा लगन के साथ करते रहते। पांचवा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना अधिक होती है। उन्हें यह विश्वास होता है कि वे विभिन्न कार्यों को उचित ढंग से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनाव, जिसे हम अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं, चिंता, जिसे एनेक्साइटी कहते हैं अंग्रेजी में, तथा द्वंद्वों यानी कॉन्फ्लिक्ट्स से मुक्त रहते हैं। वे अन्य व्यक्तियों पर विश्वास भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति आशावादी दृष्टिकोण के होते हैं। छठा है सहनशीलता, टॉलरेंस, TOLERANCE, टॉलरेंस। हिंदी में इसको कहते हैं सहनशीलता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में प्रायः सहनशीलता अधिक होती है। वे जीवन में कठिनाइयों के आने पर निराश नहीं होते हैं। वे विपरीत परिस्थितियों का सामना सहनशीलता से करते हैं। धैर्य और सहनशीलता के कारण वे विषम परिस्थितियों में कष्ट का कम अनुभव करते हैं तथा मानसिक असंतुलन से बचे रहते हैं। सातवां है निर्णय करने की योग्यता, एबिलिटी टू डिसाइड। ऐसे व्यक्तियों में उचित निर्णय लेने की योग्यता पाई जाती है। वे स्पष्ट रूप से विचार करके विभिन्न कार्यों के संबंध में उचित निर्णय लेते हैं। स्वयं निर्णय लेकर निर्धारित की गई बातों को वे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करते हैं। आठवां है वास्तविकता की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। सुसमयोजित व्यक्ति काल्पनिक संसार में नहीं वरन वास्तविक संसार में विचरण करता है। उनका जीवन दर्शन वास्तविकता पर आधारित होता है। उनका व्यवहार कल्पनाओं अथवा इच्छाओं से निर्देशित न होकर वास्तविक रूप से विद्यमान बातों से निर्देशित होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन के आनंद को प्राप्त करते हैं। वे कार्य तथा अवकाश दोनों का सदुपयोग करते हैं। देखिए, इसीलिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में इसलिए निर्देश दिया गया है कि अपने घर पर रहिए, बाहर न निकलिए, आप अपने को सुरक्षित रखिए। यानी आपका जो आत्मविश्वास है, जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना अच्छे ढंग से आप विपरीत परिस्थितियों का समायोजन आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए घर पर रहना, सुरक्षित रहना, यह समायोजन करने की एक प्रकार की क्षमता है। और अधिक से अधिक घर पर रह के आप इस समय वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है पूरी दुनिया में, वैश्विक महामारी है, तो इसमें घर पर रह करके ज्यादा से ज्यादा आप योग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। इससे आपका आत्मविश्वास जगेगा,
और जितना ही अधिक से अधिक आपके अंदर हीलिंगनेस आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में बढ़ेगी और कोई भी रोग आपको अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए इस समय घर पे रहकर खूब अध्ययन करिए, खूब पढ़िए, और पढ़ करके जो समय बचे उसमें फिर ध्यान करिए, भजन करिए। इससे आत्मविश्वास आपका जागृत होगा, मेंटल हाइजीनिक जो आपकी स्थिति है, मानसिक स्वास्थ्य जो आपका है, वो आपको पूर्ण रूप से इस महामारी से बचाएगा। इसके लिए ध्यान जरूरी है, मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं, जितना अधिक से अधिक मेडिटेशन करें, कोई दवा करने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में कुल ये जो रीढ़ है, यहीं पर पूरा ज्ञान भरा हुआ है, और इसी रीढ़ में सारे बीमारी की, जितने भी संसार में रोग हैं, सबके सुरक्षा की औषधि भरी हुई है। और इस रीढ़ में जो जीवन तत्व तो है, जो बह रहा है, जिसको चिकित्सा विज्ञान में बोन मैरो कहते हैं, तो जब यह पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से प्रवाहित होगा, तो आपके ऊपर कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती। इसलिए शरीर में आपके 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र सबसे ऊपर है। तो खूब अपने सारे चक्रों पर ध्यान दीजिए और चक्र पे ध्यान दे करके खूब ध्यान करिए। यही इससे आपका आत्मविश्वास जगेगा, आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक की, और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। आगे चर्चा करते हैं। 9वां पॉइंट है आत्ममूल्यांकन की दक्षता, कैपेसिटी और सेल्फ इवेल्युएशन। ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं का मूल्यांकन ठीक ढंग से करते हैं। वे अपने गुणों, दोषों, विचारों, इच्छाओं आदि की उपयुक्तता अनुपयुक्तता को भली भांति समझते हैं। और 10वां पॉइंट है कार्य संतुष्टि, वर्क सेटिस्फैक्शन। ऐसे व्यक्ति मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य तथा व्यवहार में रुचि लेते हैं तथा उसे पूरा करके संतुष्टि का अनुभव करते हैं। इनमें अपने कार्य के प्रति लगाव होता है तथा वे कार्यों में रुचि लेते हैं। अपने उत्तरदायित्वों का पालन ऐसे व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति को की विशेषताएं या उन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण को बताने की मैंने कोशिश किया। अब आइए हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट को, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले अनेक कारक हो सकते हैं। ये कारक व्यक्ति की समायोजन शक्ति को छीन करके उसे कुसमायोजन की ओर अग्रसित कर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। लिखें, नंबर 1 वंशानुक्रम, हेरिडिटी। नंबर 2 शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। नंबर 3 शारीरिक विसंगतियां, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिजिकल डिफेक्ट्स। नंबर 4 परिवार का वातावरण, फैमिली एनवायरमेंट। नंबर 5 समाज, सोसाइटी। नंबर 6 विद्यालय, स्कूल। एक एक के बारे में चर्चा कर लें। नंबर 1 वंशानुक्रम। कभी कभी बालक वंशानुक्रम में अपने पूर्वजों से कुछ मानसिक विकारों को प्राप्त कर लेता है जो उसे मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ बना देता है। दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राय अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ रोगी या कमजोर व्यक्तियों में नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता प्रायः कम होती है। तीसरा, शारीरिक विसंगतियां, जन्मजात अथवा दुर्घटना के कारण कई शारीरिक विसंगतियां भी मानसिक समायोजन में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। शारीरिक दोष के कारण बालकों में हीन भावनाएं उत्पन्न होती हैं और वे अपने साथियों के साथ समायोजन करने में
कठिनाई का अनुभव करते हैं। परिवार का वातावरण, बालक का विकास परिवार में होता है। परिवार बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। पारिवारिक अनुशासन, आर्थिक स्थिति, उम्र, महत्वाकांक्षाएं, परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंध आदि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पांचवा है समाज। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर समाज का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। सामाजिक वातावरण अथवा सामाजिक संगठन के दोषपूर्ण होने पर बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। समाज के आंतरिक झगड़े, जातीय संघर्ष, धार्मिक उन्माद, राजनीतिक दांवपेच, ऊंच नीच, अमीर गरीब की भावना, सामाजिक कुरीतियां, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सुरक्षा का अभाव जैसी बातें बालकों में मानसिक तनाव उत्पन्न करती हैं। छठा है विद्यालय, स्कूल। विद्यालय भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, परीक्षा प्रणाली, अध्यापक का व्यवहार आदि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विद्यालय में भय, आतंक तथा अवरुद्ध वातावरण के होने, पाठ्यक्रम के अत्यधिक बोझिल होने, शिक्षण विधियों के अमनोवैज्ञानिक होने, परीक्षा प्रणाली के उचित न होने तथा शिक्षक के सहानुभूतिपूर्ण व सहयोगात्मक व्यवहार के अभाव में बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा किया। अब मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए निम्न कारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो उपाय हैं वो निम्न हैं। नंबर एक, परिवार के कार्य, फंक्शंस ऑफ फैमिली। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में कार्य का परिवार का जो कार्य है वो बड़ा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कोई कारक अगर है तो परिवार का कार्य है। प्रायः परिवार ही बालक को मानसिक स्वास्थ्य अथवा अस्वास्थ्य की ओर अग्रसारित करता है। इसलिए निम्नलिखित उपाय को करके परिवार बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपनी सहायता प्रदान कर सकता है। नंबर एक, परिवार को बालक की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तम परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। नंबर दो, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बने रहने के लिए परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। परिवार के सभी सदस्यों में परस्पर प्रेम तथा सद्भावना होना चाहिए। अगला, माता पिता का बच्चों के प्रति उचित व्यवहार बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान करता है। माता पिता को बच्चों के साथ प्रेम तथा सुरक्षा से परिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है विद्यालय के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्कूल। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य विद्यालयों में होने चाहिए। नंबर एक, विद्यालय का अच्छा वातावरण तथा शांत सौम्य परिवेश शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। दूसरा, बालकों के प्रति अध्यापकों का बेहद स्नेहपूर्ण सहयोगात्मक व्यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य का उन्नयन करता है। तीसरा, भय, दंड, दमन तथा कठोरता पर आधारित अनुशासन बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, जबकि जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित स्वानुशासन बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में निरंतर उन्नति प्रदान करता है। अगला, बालकों की रुचि, आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुरूप लचीले पाठ्यक्रम उनको समायोजन करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में बालकों को अत्यधिक गृह कार्य देने से उनमें कुसमायोजन हो जाता है, अतः विद्यालय में बालकों को यथासंभव कम
कम गृह कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय में खेलकूद, मनोरंजन, स्काउटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। इन क्रियाओं के द्वारा बालकों की प्रवृत्ति, प्रेरणा व इच्छा आदि की अभिव्यक्ति हो जाती है। अगला, विद्यालय में बालकों को व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यवसायिक निर्देशन प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे बालक अपनी विभिन्न समस्याओं का उचित समाधान कर सके। तीसरा, समाज के कार्य, फंक्शन ऑफ सोसाइटी। मानव एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज उसके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज के निम्न कार्य होते हैं। नंबर एक, बालकों को स्वस्थ व सुरक्षात्मक सामाजिक वातावरण प्रदान करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए। नंबर दो, सामाजिक विद्वेष, राजनीतिक प्रपंच, धार्मिक उन्माद, जातीय संघर्ष, सामाजिक कुरीतियां आदि की समाप्ति से बालकों को स्वस्थ सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराया जा सकता है। अगला, परस्पर सौहार्द, भाईचारे की भावना तथा भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको यह बताने की कोशिश किया कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था परिवार के मध्य, विद्यालय के मध्य और समाज के मध्य होनी चाहिए।